नमस्कार दोस्तों, ये विदेश में रहने वाले भारती का पाम है। ये पेशे से डॉक्टर है, प्लस पीएचडी भी की हुई है। कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि मेहनत से फल मिलता है, पर मैंने देखा है मेहनत से कभी फल नहीं मिलता, ना पढ़ने से फल मिलता है। कोई व्यक्ति इस लेवल का क्वालिफाइड व्यक्ति हो और वो स्ट्रगल करता हो तो कितना आश्चर्य होता है। एक तो डॉक्टर बनना, वो कोई साधारण बात नहीं होती, उसके बाद पीएचडी भी करना और वो भी विदेश से की हुई है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और फिर भी व्यक्ति अगर स्ट्रगल करता है तो इसका मतलब ये है कि भाग्य का रोल बहुत ज़्यादा जीवन में है। ये स्वीकार करने को नो डाउट हार्ड होता है, पर ये जेन्युइन चीज़ है कि भाग्य के बिना हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, ये भी एक सच्चाई है। ठीक है, इनके हाथ में भी एक सर्टन एज तक स्ट्रगल लिखा हुआ है, उसके बाद इनका स्ट्रगल एकदम नील बटा हो जाएगा और इन्होंने जो सपने देखे होंगे वो सारे सपने पूरे होंगे, पर एक सर्टन एज के बाद। तब तक तो इनके हाथ में स्ट्रगल लिखा हुआ ही है। अब इस पाम को देखते हैं, बहुत कम लाइनें हैं, बहुत कम समय में ये एनालिसिस हो जाएगा क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज है, फिर भी कोशिश करते हैं कुछ नई चीजें दिख जाए। जब किसी व्यक्ति का धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होता है। ये चौड़ाई लिए हुए पाम है, यानी चौड़ा पाम है, तो ऐसे लोग मेहनती भी फूल होते। उंगली का फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य गर्भवती अच्छी खासी जिद्द होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे, पर ये अंगूठा मांसल कम है, यानी पेडिंग कम है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी व्यक्ति में पाया जाता है। उंगलियां नो डाउट बहुत छोटी तो नहीं कहूंगा और ना बड़ी कहूंगा, मध्यम टाइप की उंगलियां है और साथ में फैलेंज बड़े हैं, तो बहुत ज्यादा एनालिटिकल पर्सन भी होंगे ये। सॉरी, सूर्य की उंगली के बजाय ये लगभग सेम ही चल रही है, इक्वली है। और ये उंगली का देखिए फर्स्ट सिरा टिल्ट हो रहा है, ये उंगली जब टिल्ट होती है फर्स्ट से फैलेंज, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा कमाने की ललक इनमें ज़्यादा रहती है। और ये फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में कमजोर होते हैं। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर छोटी छोटी लाइनें हैं और बुध पर्वत बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं है और ना दबा हुआ है, तो मध्यम सुंदरता होगी, मध्यम बिजनेस सेंस होगा, तो ये सारी वस्तुएं इनके हाथ में है। हाँ, यही बुध पर्वत में थोड़ी सी दो चार लाइनें और होती तो ज़्यादा सुंदरता मिलती थी, पर एक बहुत अच्छी साइन इनके हाथ में है यहाँ पर, ये इस बुध पर्वत के गुण को बढ़ा रही है, एपेक्स साइन होती है, ये बढ़ाती है। और ये जो लाइन, जो मैरिज लाइन होती है, ये थोड़ी सी भी निर्दोष रूप से टर्न लेती है, एंड में हल्की सी झुकती है, तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो अट्रैक्टिव मिलता है। मैं सुंदरता शब्द इसके लिए नहीं यूज़ करता हूँ कि सुंदरता के मापदंड सबके अलग अलग होते हैं, अट्रैक्टिव कह दिया तो सब कुछ आ गया उसमें। अब इनके सन माउंट पे इनकी धन रेखा में जरा भी दम नहीं है, पर यही अगर सन माउंट पर ये साइन ना होती तो इनको जीवन यापन में भी तकलीफ आती थी। अभी भी आ रही होगी, पर कहीं ना कहीं से पैसा व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। ये देखिए एक साइन यहां पर है। अब इसकी साइज 4 से 6 mm है, एक इसके पास ही है। ये काफी छोटी है, दो
और एक यहां पर है। ये साइनें ना होती तो इनका जीवन रियल में दुभर हो जाता था, बहुत ज्यादा दुभर होता था, पर इन साइनों ने इनको बचा लिया। और यहां पर भी एपेक्स साइन है, पर रेखाएं जब साथ नहीं देती तो कितनी भी अच्छी इस तरह की फॉर्मेशन हो तो काम नहीं आती। अब इनके रेगुलर पाम पर ही चलते हैं। यहाँ विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम भी करते हैं, ये भी खासियत होती है। शनि पर्वत अगर यहाँ से थोड़ा सा भी अगर खड्डा हो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मुझे लग रहा है, पर कई बार हमसे गलती भी होती है समझने में। अगर ये खड्डा होगा यहाँ पर तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है लाइफ में, जीवन भर जब तक जीता है तब तक इंटरेस्ट पे करता है। चीज़ें देरी से मिलती है, मिलती जरूर है पर देरी से मिलती है, और हार्डवर्क करना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा भी उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आलस्य फील होता है, पर एक बार जाग गए तो उसके बाद व्यक्ति एक्टिव रहता है। ये लाइन है, ये व्यक्ति को चार लाभ देती है, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और इन्होंने गवर्नमेंट में काम भी किया हुआ है, प्लस जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे, समय आएगा आपका भी बड़े स्तर का काम होने वाला है। और ससुराल पैसे वाला है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते हैं, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट पर कोई ऐसी खास लाइन नहीं है, केवल एक लाइन दिख रही है, यहाँ पर भी एपेक्स साइन है, तो ये एक एडवांटेज है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कहीं से भी पैसा आ जाता है। केवल ये एक लाइन है, ये इनको थोड़ा सा सेवा भावी बनाएगी और भविष्य में ये भी पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं ध्यान लगाएंगे इस तरह के मिस्ट्री साइंस में। बाकी कोई साइन है मुझे नज़र नहीं आ रही है। और ये अगर स्क्वायर कंप्लीट होगा तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना, अगर ये कंप्लीट होगा तो, क्योंकि ये विदेश में रहते तो हमें जिस इंक की ज़रूरत होती है वो अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो कई बार डिज़ायर फोटोग्राफ हमें नहीं प्राप्त होते। अगर ये स्क्वायर साइन यहाँ पर होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी और 36 में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है व्यक्ति। और जुपिटर माउंट छोटा है, खराब नहीं है पर छोटा है, ये परिवार को दूर रखता है, यानी खुद का परिवार नहीं, खुद के पत्नी बाल बच्चे नहीं, जो माता पिता है, बुआ है, चाचा है, उनसे दूर रहता है इस तरह का जुपिटर माउंट वाला। और ये ऑलरेडी दूर ही है सालों से। अनुनी मंगल काफ़ी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी इनके जीवन में। बारी मंगल मध्यम टाइप का है, जब किसी से मिलेंगे तो किसी से तो बहुत एनर्जी से मिलेंगे और किसी से सेफ्टी लेकर मिलेंगे, इस तरह की स्थिति रहेगी। क्या चंद्र पर्वत पर थोड़ा सा कट है, ये कट व्यक्ति को थोड़ा सा बातें ज़्यादा करवाता है, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं। और ये देखिए ये फोर्क बन रहा है, ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है और पूरी जीवन रेखा ही चंद्र पर्वत पर जा रही है। जब इस तरह की स्थिति होती है तो व्यक्ति विदेश में सेटल होता है, ऐसा कई लोगों को देखा, पर सबके साथ लागू नहीं होता, बहुत सारी दूसरी वस्तुएं भी रहती है। यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति की ओर प्राप्ति देता है, तो इनको विदेश से धन प्राप्ति हो रही है, ये विदेश में ही है सेटल। और चंद्र पर्वत खराब नहीं है, मध्यम टाइप का है, फिर भी मैं कहूंगा ऊपर की तरफ थोड़ा सा अच्छा चंद्र पर्वत है, तो कहीं ना कहीं चंद्र के आधे अधूरे गुण, जैसे पानी अच्छा लगना, दूध से बनी
चीज़ें अच्छी लगनी, फिर अच्छे परचेसिंग पावर, ये सारे गुण तो होंगे पर उतने भी खुल कर नहीं जितने होने चाहिए, जो एक चंद्र पर्वत में होते वैसे नहीं होते, मध्यम टाइप के रहेंगे। हाँ, शुक्र काफ़ी अच्छा है। जब शुक्र अच्छा होता है तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता, अच्छी तरह रहता, लग्जरियस लाइफ का शौक होता है और उसे पूरा करने की उसकी चाहत भी होती है। अब इनकी हृदय रेखा देखे तो यहाँ से चली और ये यहाँ आकर रुक रही है और यहाँ से एक लाइन निकलकर ऐसे स्टार्ट हो रही है। तो शुरुआती जो जीवन होगा इनका, ये आदर्शवादी होंगे, बहुत ज़्यादा आदर्शों पर चलने वाले होंगे, सिस्टम से काम करने वाले होंगे, पर एक सर्टन एज के बाद गुस्सा भी बढ़ गया होगा इनका। अब तो नॉर्मल हो गया होगा पर गुस्सा भी बढ़ गया होगा और शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है तो कामुक भावना, कभी कभी फिजिकल बनना और पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, ये तीनों लक्षण इनमें पाए जाते हैं। हृदय रेखा पर ये जो लाइन है, ये मित्रों को, सगे संबंधियों को हेल्प करना और वो पैसा वापस ना आना, ये शो करता है। अब ये जो लाइन है, ये माता पिता की सेवा करने वालों के हाथ में होते हैं, पर यहाँ पर इनका जुपिटर माउंट जिस तरह का छोटा है तो ये कैसे सेवा कर पाते होंगे भगवान जाने। और ये जो लाइन है, ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पर देखे तो एक लाइन ने इस तरह से काटा है, ये जब काटती है तो ज़्यादातर परिवार की तरफ से कोई ना कोई कष्ट आता है, यानी परिवार के लिए खर्च आता है, ये मैंने कई लोगों के हाथों में देखा है। ये एज लगभग 33 से 34 के आसपास इस तरह की स्थिति इनके जीवन में पैदा हुई होगी, क्योंकि ये अचानक माइंड लाइन कन्वर्ट हो रही है, या तो 35 के आसपास हुई होगी या अगर इसको बेस बनाए तो 33 के आसपास हुई होगी, और माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और यहाँ चलकर ये स्लोप बना रही है, यानी लगभग एज 40 के आसपास से ये धार्मिकता भी इनमें आ गई होगी, पर माइंड लाइन छोटी है तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती, पर थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर आया तो इनको गुस्सा आता है, ये भी देखा गया। अब बहुत ज़्यादा राहु रेखा है तो नहीं है इनकी, मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाली है। इनकी 29 के आसपास शादी हुई, या तो इस रेखा ने शादी की होगी या इस रेखा ने शादी कराई होगी, या तो पहले कोई तकलीफ आई होगी शादी के बाद, या शादी के बाद तकलीफ आई होगी, दो में से कोई एक रेखा इनकी शादी की है, क्योंकि और उसमें से एक रेखा राहु रेखा है, तो या तो शादी के बाद इनको कोई तकलीफ आई होगी या शादी के पहले तकलीफ आई होगी। उसके बाद देखें तो एज ऑफ 36 में एक राहु रेखा काट रही है और यहाँ पर जीवन रेखा बदलाव ले रही है, तो यहाँ पर या तो देश बदला होगा इन्होंने, या शहर बदला होगा, या घर बदला होगा, एज ऑफ 36 के आसपास। 36 के बाद 37 में एक राहु रेखा काट रही है, उसके बाद 38 में भी काट रही है, ये भी पीरियड इनका अच्छा नहीं गया होगा। उसके बाद देखे तो इनके हाथ में एक रेखा 40 के आसपास काट रही है और एक 42-43 के आसपास इस रेखा ने काटा है, जो वर्तमान पीरियड है। उसके बाद एक ऑफशूट है, ये ऑफशूट 3 साल के बाद या 2.5 साल के बाद है, यानी 46 के आसपास ये ऑफशूट है। उसके बाद एक और ऑफशूट है इनके जीवन में, सॉरी, इसके बाद ये ऑफशूट के बाद एक नियर एंड डियरर की भी डेथ है, यानी ये समझो आप 46 और ये 47 के आसपास, यानी ये कोई ना कोई सफलता इनको दिलाएगी, या तो प्रॉपर्टी दिलाएगी या कोई ना कोई
सफलता इनको जीवन में मिलेगी 45-46 के आसपास, और ये 47 में, और उसके 4 साल के बाद या 3 साल के बाद एक ऑफशूट है तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा इनको 51 के आसपास, और ये 6 साल के बाद 5 साल के बाद एक और ऑफशूट 56 के आसपास। तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, पूरी जीवन रेखा अच्छी चल रही है, राहु रेखा है बहुत कम है। अब इनकी जो धन रेखा है उस पर कट, अब ये जो कट है या तो 33 में लगा होगा या 36 में लगा होगा, यहाँ पर एक और 36 का कट है, यानी 34-36 में कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको जीवन में आई होगी। एक कट 41 के आसपास भी है, यहाँ पर भी इनको अच्छा खासा घाटा गया होगा। उसके बाद ऐसे कोई कट, छोटे छोटे कट दिखाई दे रहे, कोई मेजर कट बहुत हैवी वाले तो नहीं शो हो रहे। अब इनके जो फेट लाइन का फोटो है, जो इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है। ये देखिए इनकी फेट लाइन, ये यहाँ से ही बिगड़नी चालू हुई। ये थोड़ा सा समय यहाँ पर अच्छा गया होगा, 1-2 साल, यानी ये पीरियड होगा लगभग 38 से लेकर 40 तक का थोड़ा सा बेटर गया होगा। उसके बाद फिर इनकी हालत ख़राब हुई होगी, और अब तक यहाँ तक ये प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे अप टू 53-54 तक। उसके बाद इनके जीवन की गाड़ी धीरे धीरे चलनी चालू होगी, और यहाँ से एक और रिसोर्सेस पैदा होगा 54 के आसपास से या उसके पहले से ही, और ये जनरेट होना चालू हो जाएगा यहाँ से। ये 58 के आसपास ये बहुत ज़्यादा धन देना चालू कर देगी। उसके बीच में भी कहीं ना कहीं धागा है तो थोड़ा सा तो व्यवस्थित रहेगा, यानी 53 से इनके बाद में पैसा आना चालू हो जाएगा, और कई माध्यमों से पैसा आएगा, कई माध्यमों से। यानी जो सफलता इनको जवानी में या मिडल एज में नहीं मिली, वो 53 के आसपास के बाद मिलनी चालू होगी। तब तक तो इनके जीवन में स्ट्रगल है ही है। अब ये जो इस तरह की धन रेखा रहती है क्या कार्य करती है, एक तो ये जिस देश में है, मैंने इनको देश बदलने कह दिया कि नॉर्थ पोल के आसपास की कंट्री में जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैंने इस तरह की धन रेखा वालों को भी अच्छी तरह से सेटल होते, ठीक है उनके भी एक्सपेंस रहते हैं, सब कुछ रहता, पर कहीं ना कहीं वहाँ पर फिर भी ग्रोथ करते लोगों को देखा है। एक तो ये वस्तु हो गई, इनसे बात भी हो चुकी है मेरी, तो ये जो धन रेखा है ये लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिलता इस तरह की धन रेखा वालों को। तो मैंने ये भी जानकारी दी है कि आपको तालाब में अकेला ही तैरना है, आपको कोई हेल्पर 53 तक तो नहीं मिलेगा, उसके बाद पूरी दुनिया धीरे धीरे आपको साथ देना चालू करेगी। तब तक आपको अगर जॉब भी करोगे तो लोगों की हेल्प नहीं मिलने वाली। फिर अगर जो पैसा आता है, फिश साइन है तो पैसा तो थोड़ा कुछ आता ही होगा, पर वो जो आता होगा वो भी एक्सपेंस हो जाता है, ये भी देखा गया। तो ये 3 माइनस पॉइंट मैंने बता दिए। हाँ, इसके बाद इनको धीरे धीरे सफलता मिलनी चालू होगी, और 53 के बाद धीरे धीरे रास्ता खुलते हुए दिखेगा, और बुढ़ापे में बहुत अच्छा धन कमाएंगे ये। ये देखिए कितनी खराब धन रेखा है। अब सोचिए इस लेवल का पढ़ा लिखा आदमी ग्रोथ नहीं ले पाता, अरे जॉब तक नहीं मिलती, ये ऐसी हालत है, क्योंकि थ्रेड भी नहीं है इस लाइन में। अगर थोड़ा सा थ्रेड होता तो भी कुछ ग्रोथ होता था, थ्रेड भी नहीं है। जैसे यहाँ पर इस धन रेखा को देखें तो यहाँ से थ्रेड दिख रहा है, यहाँ पर भी थ्रेड दिख रहा है, और इस लाइन में भी थ्रेड दिख रहा है, यहाँ पर भी थ्रेड है। तो थ्रेड होता तो कहीं ना कहीं विकास भी होता था। एक लाइन है जिसमें थ्रेड दिख रहा है, हो ना हो ये थोड़ा सा ग्रोथ देगी आने वाले समय में। अभी ये 41 का कट अगर पकड़ ले तो 42-43 से ये थोड़ा, इतनी भी स्ट्रांग लाइन नहीं है, एक बारीक सी लाइन है, और वो भी स्ट्रांग हो रही है यहाँ से 46-47 के आसपास या 48 के आसपास स्ट्रांग हो रही है।
ये लाइन थोड़ा सा भी हेल्प इनको करेगी, और उसके पहले भी थोड़ी सी थ्रेड दिख रही है, बाकी इस लाइन में तो थ्रेड है ही नहीं। तो इनका मेन कारण कोई ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है, ये ही कारण है। देखिए कितनी फूली हुई लाइन है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।